जिले में फिर हुआ कोरोना विस्फोट, शनिवार को मिले 30 संक्रमित, संख्या पहुंची 2032। नागपुर मंडल ने लिया फिर से किसान रेल चलाने का निर्णय, 25 नवंबर छिंदवाड़ा से सब्जी और फल लेकर जाएगी ट्रेन। फॉल्ट होने पर 8-10 घंटे बंद हो जाती है बिजली, स्थायी उपाय करने से बच रहे जिम्मेदार अफसर। प्रदेश के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने निकली 15 महिला बाइकर्स पहुंची तामिया, जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद ने किया स्वागत। और महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा सेल्फ डिफेंस का निःशुल्क प्रशिक्षण, 40 दिन में मार्शल आर्ट के सिखाए जा रहे सभी गुण। नमस्कार, चंद्रा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश। कोरोना विस्फोट हुआ और एक दिन में 30 संक्रमितों के मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार को जो संख्या 2002 थी वह शनिवार को 2032 हो चुकी है और आइसोलेशन में 89 व्यक्ति अब उपचार करवा रहे हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा इसे बहुत गंभीरता से लेने के बजाय मास्क, रविवार बंद, मड़ई प्रतिबंध और विवाह समारोह में कम संख्या पर ही केंद्रित कर दिया गया है, जबकि बढ़ती हुई ठंड के साथ बढ़ता हुआ कोरोना संक्रमण और घातक हो सकता है। हालांकि प्रशासन संक्रमण रोकने के लिए और प्रभावी कदम उठाने की बात कर रहा है। विगत 28 अक्टूबर को चलाने के बाद घाटे की वजह से बंद की गई किसान रेल एक बार फिर चलाई जा रही है। किसान रेल 25 नवंबर को चलेगी, जिसके लिए छिंदवाड़ा रेलवे अधिकारी सब्जी फल व्यापारियों तक दौड़ लगा रहे हैं। रेलवे जोनल सदस्य सतेंद्र ठाकुर ने बताया कि किसानों के लिए नए कई बाजार उपलब्ध कराने के लिए चल रही किसान रेल एक बेहतर विकल्प है, जिसका सहारा लेकर किसान और व्यापारी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। शहर के बाशिंदों को मिल रही है गांव की बिजली और बिजली में फॉल्ट होता है तो 4 से 8 घंटे तक लग जाते हैं फॉल्ट बनाने में। दरअसल सोनपुर, सरसवाड़ा और पीएम आवास नगर निगम के वार्ड 24 के मोहल्ले हैं, जिससे सोनाखार फीडर से 60 किलोमीटर दूर से बिजली दी जा रही है। विगत गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात 11 बजे बिजली बंद हुई तो सुबह तक 2 लाइन मैन फॉल्ट खोजते रहे और सुबह 6 बजे बिजली आई। इस तरह की परेशानी से यहाँ के रहवासियों को निजात दिलाने ना तो बिजली विभाग के अभियंता सक्रिय है और ना ही निगम अधिकारी, जबकि शहर के फीडर से कनेक्ट करने के लिए रेलवे ने ब्रिज के नीचे लाइन डालने की अनुमति 1 साल पहले ही दे चुकी है, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर दूर की है। भोपाल से निकलकर मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 2400 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा करते हुए देश की जानी मानी महिला बाइकर्स देर रात जिले के तामिया पर्यटन क्षेत्र पहुंची, जहां जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद छिंदवाड़ा ने उनका स्वागत किया। जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद के रिसोर्स पर्सन विनोद तिवारी और बलराम राजपूत ने बताया कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा टाइग्रेस ऑन द ट्रायल मध्य प्रदेश द्वारा अनुबंध संस्था मैसस थ्रिलोफिलिया एडवेंचर टूर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से महिला बाइकिंग टूर टाइग्रेस ऑन द ट्रायल का आयोजन किया है, जिसका तारतम्य में महिला बाइकर छिंदवाड़ा जिले के तामिया होती हुई छिंदवाड़ा से पेंच नेशनल पार्क के जंगलों में जंगली सफारी और ग्रामीण अध्ययन भ्रमण हस्तशिल्प अवलोकन करने के लिए रवाना हो चुकी हैं। वी स्टैंड फॉर ऑल के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए सेल्फ डिफेंस की 40 दिनों कार्यशाला 1 नवंबर से चल रही है। इसमें महिलाओं को मिक्स मार्शल आर्ट्स के लॉन्ग डिफेंस अटैक की तकनीक सिखाई जा रही है। उन्हें तलवार, लाठी और हाथों में भी अपनी रक्षा के भी तरीके सिखाए जा रहे हैं। डाउन अटैक करना बिल्कुल, चलो स्टार्ट करो अटैक, गुड डाउन बॉस से। कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है, ऐसे में रोकथाम के लिए कलेक्टर के निर्देश पर जुन्नारदेव पुलिस और नगरपालिका प्रशासन के सहयोग से मुख्य मार्केट में मास्क पहने बिना घूम रहे व्यक्तियों पर चालानी कार्रवाई करते हुए समझाइश दी गई और बिना मास्क के घूमने पर 13 लोगों से 650 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। पुलिस द्वारा मास्क पहनने की हिदायत दी, साथ ही फिजिकल डिस्टेंस के पालन करने की समझाइश दी गई। इस कार्रवाई में जुन्नारदेव थाना प्रभारी मुकेश द्विवेदी, सब इंस्पेक्टर करण सिंह, नगरपालिका कर्मचारी लक्ष्मी प्रसाद सक्सेना शामिल रहे। पूरे भारत में व पूरे देश में पुनः बढ़ने लगे हैं, उनको लेके पुनः चिंता व्यक्त की जा रही है। मार्केट आने पर मास्क लगाना अनिवार्य है। आज पुलिस प्रशासन के सहयोग से 13 व्यक्तियों के चालानी कार्रवाई की गई, बिना मास्क पहने हुए जुर्माना राशि की गई है, चालानी कार्रवाई की गई है। जुर्माना हिदायत देने के बाद में बिना मास्क पाए जाने जुर्माना राशि 50 रुपया ली। नरसिंहपुर मार्ग में स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में लगभग 9 फीट लंबा और 16 फीट वजन का अजगर पकड़ा गया है। नगर निगम के वार्ड दरोगा और सर्पमित्र हेमंत गोदरे ने बताया कि अजगर 20 फीट लंबे 6 इंच पाइप में बैठा था, जिसकी सूचना वहां पर कार्यरत कर्मचारी पुनीत कुमार ने दी। पाइप में बुरी तरह फंसे होने के कारण करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित बाहर निकालकर पकड़ लिया गया। अजगर शेड्यूल 1 का प्राणी होने के कारण संरक्षित जीवों की श्रेणी में आता है, इसलिए इसकी सूचना वन मंडलाधिकारी पूर्व छिंदवाड़ा वन मंडल अखिल बंसल को देकर अजगर को वन विभाग के सुपुर्द किया गया।
भजन भर दिखा देना। बताते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ कि भजन भर बता देना। 15-20 हजार है। एक किलो मछली कितनी रहती? ब्रेक का चल हाजिर होंगे। स्टेटस फर्नीचर हाउस ऑफ क्वालिटी, जहां आपको मिलेगा बेडरूम सेट, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर के साथ ही बेस्ट क्वालिटी के फर्नीचर की विशाल रेंज, वो भी कम दामों में। साथ ही आपको मिलेगी फर्नीचर पर 3 साल से लेकर 10 साल तक की वारंटी। प्रदेश की सबसे आधुनिक मशीनों, अनुभवी और प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा बना फर्नीचर, जो देगा आपके घर और ऑफिस को मॉडर्न लुक। छिंदवाड़ा का सबसे विश्वसनीय और विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे मॉडर्न डिजाइन के क्वालिटी फर्नीचर। दीपावली के शुभ अवसर पर पाएं आकर्षक गिफ्ट वाउचर्स, आसान फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें स्टेटस फर्नीचर LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टेक्ट नंबर 07162222622 और 7049912202, 7049912203। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा में कलार समाज ने सहस्त्रबाहु जयंती के अवसर पर समाज के नवीन सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर सिवनी से भाजपा नेता और विधायक दिनेश राय मुनमुन, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना सहित भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू, कांग्रेस महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष किरण चौधरी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले मुख्य अतिथियों ने भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सहस्त्रबाहु जयंती मनाई गई। कलार समाज के मान्यवाओं के गंदूवाड़ा के कलार हो 2.5 करोड़ का टमाटर बेच रहे हैं, तो ये उपलब्धि समाज के अगर आपकी क्षमता नहीं होती, आपकी योग्यता नहीं होती, तो आप इतनी बड़ी उपलब्धि कहाँ से दिखा पाते? जहाँ छिंदवाड़ा की बात है और शिक्षा की बात है, जब भी जैसी जरूरत हुई, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ भी समाज के लोगों को जैसी जरूरत हुई, हम सब लोगों का साथ आपके साथ रहा है। किरण चौधरी आपकी अभी बातें आई, हमारा समाज क्यों लेके संकेत हो रहा, ये हो रहा, हम कहते समाज संकेत हो, हमारा समाज कहीं कभी और नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ सभी सम्मानित लोगों से, हम लोग सक्षम लोग हैं, और मैं जहां तक मेरी जो सोच है, समाज हमेशा देने वाला बने, हाथ ना पसारो, मांगो मत किसी से, देने वाले बनिए। हमें भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा आज सागरपेसा क्षेत्र में भाजपा जिलाध्यक्ष बंटी साहू के निर्देश पर दीपावली की मिठाइयां वितरित की गई। मिठाइयां वितरण में शैलेंद्र यादव, जवाहर सहित भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे क्षेत्र में मिठाइयों का वितरण किया गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी द्वारा स्वजन से मिठाई वितरण का कार्यक्रम हर वार्डो में किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के दौरान आज वार्ड क्रमांक 8 में मिठाई वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे वार्ड के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं सभी साथी लोग एकत्र हो रहे। उस समय सभी कार्यकर्ताओं ने साथ में मिलकर मिठाई बांटी। छिंदवाड़ा कलेक्टर सभाकक्ष में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपायों पर चर्चा हुई, जहां जन प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए। कलेक्टर सौरभ सुमन ने बताया कि जिले में जागरूकता के द्वारा मास्क और सोशल डिस्टेंस का प्रचार किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि यदि कोरोना का कोई सेकेंड वेव आता है तो उससे निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसका सुझाव जिले की तरफ से आए, आपदा प्रबंधन समिति की तरफ से आए। तो कई सारे सुझाव माननीय सदस्यगण द्वारा दिए गए हैं, जिसमें जनजागरूकता फैलाना, अथवा अगर केसेस बढ़ते हैं तो फिर बाज़ार की टाइमिंग आदि फिक्स करना, किसी एक दिन बाज़ार बंद हो। इसके अलावा मास्क का उपयोग किया जाए, मेले आदि को प्रतिबंधित रखा जाए। इस तरह के सुझाव आए हैं, उसका संकलन करके हम लोग शासन को भिजवा देंगे।
सौसर में पिछले दिनों मटन मार्केट के एक व्यापारी के बाड़े में घुसकर दर्जन भर से अधिक आवारा कुत्तों ने हमला कर 10 बकरों को मार दिया। व्यापारी एक रात पहले 10 बकरों को लाकर कमरे में बंद किया था, लेकिन रात में बाड़े में अंदर जाने से एक गड्ढे के सहारे आसपास के कई कुत्तों ने हमला करके जान ले ली। बताया जा रहा है कि नगरपालिका सौसर को कई बार इन कुत्तों को पकड़ने के लिए स्थानीय दुकानदारों ने शिकायत की है। छिंदवाड़ा भारतीय किसान संघ जिले की मासिक बैठक का आयोजन चार फाटक संतोषी माता मंदिर में आहूत किया गया, जिसमें संगठन की सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के प्रांत संगठन मंत्री भरत जी भाई, जिलाध्यक्ष मेहर सिंह चौधरी, उपाध्यक्ष कैलाश यदुवंशी, प्रांतीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अजय शुक्ला, डॉक्टर रमेश उसरेठे, जिला जैविक प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुंदरलाल नागवंशी, अरविंद पटेल, जितेंद्र शाह पूर्व उपाध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में सभी सदस्यों ने एक स्वर में 25 नवंबर से 25 दिसंबर 2020 तक पूरे जिले में सदस्यता अभियान चलाने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारी निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने सौजन्य भेंट कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में अवगत कराया। इस दौरान प्रदेश सचिव सुनील राजपूत, जिला सचिव प्रशांत घोंगे, नंदू वारापत्रे, नरेंद्र मालवी, राम भरोसे चंद्रवंशी, महेश पवार, भगवान दास सारवान, हेमंत गोद्रे सहित अन्य मौजूद रहे। जिले की जनपद पंचायत मोहखेड़ के ग्राम इकलबहरी में शनिवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश द्वारा फीता काटकर महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों को सभी डिजिटल सेवाएं अपने ग्राम पंचायत भवन से ही दी जाएंगी, जिससे उन्हें शहर नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद बोरकर, महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के जिला प्रभारी विक्रांत चौधरी और विकासखंडों के प्रभारी दीपक देशमुख, अभिषेक विश्वकर्मा, अभिषेक जैन, रविंद्र चौहान, मनोज राउत, ग्राम पंचायत के सरपंच शैलेंद्र धारे, उप सरपंच नारायण भादे, सचिव विपिन रायकवाड़, सहायक सचिव कमलेश चौकेन्द्र उपस्थित थे। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।